संजय शर्मा जी, ये बताइए कि भाई अमित शाह कह रहे हैं कि 300 से ज्यादा सीटें आने वाली हैं, जब मैं ये कह रहा था तो आपके चेहरे पर मुस्कान थी, मुस्कान का कारण क्या है? क्या वाकई में 300 सीटें आ रही है? नहीं, मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने 50 सीटें कम क्यों कर दी, क्योंकि बीजेपी के नेता 350 कह रहे थे, तो उनके 50 सीटें कम करने पे मुझे हैरानी हुई कि उन्हें 350 कहना चाहिए था। आज निषाद पार्टी का सम्मेलन था, मेरी टीम गई थी वहां पे कवर करने के लिए। पूरे प्रदेश में संजय निषाद ने कहा था कि आज निषादों के आरक्षण का फैसला करने के लिए अमित शाह जी खुद आ रहे हैं। मुझे पता था कि यह रैली की फंडिंग बीजेपी ने करी है, नाम निषाद का है, संजय निषाद की रैली है, और पूरे प्रदेश के निषादों से कहा गया कि उनका चित परचित जो फैसला था वो आज हो जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा। वो अप्रत्याशित रूप से, जैसे आजकल बीजेपी की हर रैली में हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, और जब रैली से निकले तो निषादों के बहुत बड़े लोगों ने कहा कि आज हमारे साथ फिर धोखा हुआ, हमसे कहा गया था हम आरक्षण मिलेगा, हम आरक्षण की कोई बात ही नहीं की गई। तो बीजेपी की मजबूरी बन गए हैं संजय निषाद। वो संजय निषाद जो कुछ दिन पहले अपने स्टिंग ऑपरेशन के बाद कह रहे थे कि बीजेपी वालों ने मेरे संग धोखा किया है, इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन पिछड़े या दलितों के ही क्यों होते हैं। उस स्टिंग ऑपरेशन में संजय निषाद जिस तरह कह रहे थे कि मैं थाने जलवा सकता हूँ, मैं हत्या करवा सकता हूँ, तब बीजेपी के नेता उनको किनारे कर रहे थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी ये फंस गई है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल और केवल दो बातों पर आधारित हो गया है, अगली जाति बनाम पिछड़ी जाति। जो धर्म का तड़का लगना चाहिए वो काशी से लेकर मथुरा तक लग नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, और पिछड़ी जातियों की गोलबंदी बहुत तेजी से समाजवादी पार्टी के साथ होती चली जा रही है। वो राजभर हो, वो इंद्रजी सरोज हो, सारे लोग जो हैं बैकवर्ड कास्ट के, वो एक जगह हो रहे हैं। 60 से 70 गांवों में ये टीम, और मैं घूम के देख चुका हूँ, खुद बात करके देख चुका हूँ, एक ही बात है कि केशव मौर्य समेत सारी पिछड़ी जातियों को एक ठाकुरों ने बहुत परेशान किया। ये बहुत खराब सा लाइन है, लेकिन गांव-गांव में ये लाइनें कहीं जा रही हैं। तो अब देखिए, आज आशुतोष जी टाइम्स ऑफ इंडिया समेत तमाम बड़े अखबारों में जो विज्ञापन छप रहे हैं उसमें से योगी की फोटो हटा दी गई है। अब जो फुल पेज के विज्ञापन हो रहे हैं उसमें सिर्फ मोदी की फोटो है। पूरा चुनाव मोदी बनाम अखिलेश में कन्वर्ट करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मोदी के नाम पर पिछड़े इकट्ठे रह पाएंगे, योगी के नाम पर पिछड़े इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। तो सीन बदल रहा है उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ। संजय, आपने इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा कि वहां पे दरअसल अखिलेश बनाम नरेंद्र मोदी करने की कोशिश की जा रही है, ये इंटरेस्टिंग बात है। और आपने ये भी कहा कि योगी थोड़ा पीछे हो गए हैं, यानी उनको चेहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने में थोड़ा हिचक रही है। आपने ये भी कहा कि जो छोटी छोटी जातियों का जो एक गठबंधन था वो अखिलेश यादव के साथ ज्यादा, लेकिन आपको पता होगा कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने 7 छोटी पार्टियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन किया था। उसमें वो जातियां भी हैं जो जिनका आपने जिक्र किया, और वो जातियां भी हैं जिनका आपने जिक्र नहीं किया। राजभर, जैसे राजभर को लेके जो 2 छोटी छोटी पार्टियां थी, भारतीय समता शोषित समाज पार्टी और भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो छोटी पार्टियों का गठबंधन करने में पीछे रह गई और अखिलेश आगे रह गए? देखिए, ये जो आप बाकी 2 पार्टियों की बात कर रहे हैं, इनकी जन सामान्य में चर्चा नहीं है। आप बलिया के गांव से शुरू करेंगे और डोडा के गांव तक पहुंचेंगे तो इन दोनों पार्टियों को नाम भी बहुत लोग नहीं जानेंगे। नाम जानते हैं वो नेताओं का, पार्टी से भी ज्यादा नाम का। बहुत सारे लोग होंगे जो ओपी राजभर की पार्टी का नाम नहीं जानते, लेकिन ओपी राजभर का नाम जानते हैं। अनुप्रिया पटेल ने 10 दिन पहले बयान दे दिया कि अभी हमने तय नहीं किया है हमें किधर जाना है, हम तय करेंगे, बाकी चल रही है, और हर राजनीति में सारे विकल्प खुले रहते हैं। तो जो पिछड़ी जातियों के नेता के रूप में जो चेहरे स्थापित हैं, उनमें से बड़ी संख्या में लोग अखिलेश की तरफ चले गए हैं। अनुप्रिय पटेल का ये तय कर देना कि अभी हमारा तय नहीं है, बाकी बड़े नाम उधर चले जाना, ये संकेत कर रहा है कि पिछड़ी जातियों की गोलबंदी हो रही है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने नहीं देखा कि एक नेता आजमगढ़ से चलता है 10 बजे, अगले दिन 5 बजे तक लखनऊ पहुंचता है, और पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हजारों की संख्या में खाली रहती है, मतलब लोग बड़ी भीड़ खड़ी हुई है। शीतल जी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन पे गए थे, खुद बता रहे थे कि वहां की कुर्सी भी खाली थी और मनरेगा के मजदूर थे। ये जो रैली की भीड़ हमने देख रहे हैं आशुतोष जी, दो तरह की भीड़ है। जो आज की भीड़ देखी वो निषाद की पार्टी छोड़ दीजिए या बीजेपी की भीड़ जो है, एक कार्यकर्ताओं में जो जिताने का उत्साह होता है वो बीजेपी के अंदर गायब है, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जुनून की जैसा दिख रहा है कि हमें अपनी सरकार लानी है। तो ये जो उत्साह है ये अंतर बहुत बता रहा है कि स्थितियां खराब है बीजेपी की। अंतर्द्वंद, पहली बार ऐसा हुआ कि केशव मौर्य को प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ा, अपने घर पर चाय पिलानी पड़ी, फोटो ट्वीट कराने पड़े ये संकेत देने के लिए कि हम प्रधानमंत्री पिछड़ी जातियों का मान सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि केशव मौर्य की बेइज्जती पूरे उत्तर प्रदेश में समय चर्चा का विषय बनी। ठीक है,
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।